आर यू डूइंग सो वेल। क्लास नाइन्थ के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ मैथ की उन एक्सरसाइजेस के बारे में कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज्यादा अहमियत की हामल है, यानी ऐसी एक्सरसाइजेस जिनके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है। तो अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो जो आपकी मैथ की एक्सरसाइज 1.6 है, 2.4, 3.4 और 4.2 एक्सरसाइजेस है, इनमें से आपका एक एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। और साथ जो थ्योरम आपने करने हैं वो चैप्टर नंबर 12 के करने हैं। चैप्टर नंबर 12 में से आपके पेपर में एक थ्योरम जरूर आएगा। और इसी के साथ अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आपने करनी है एक्सरसाइज 1.3, 1.4, 1.5। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 और 2.3 के अंदर आपका एक एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। और जो मैथ की एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 है, इनमें से भी आपके दो शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में जरूर आएंगे। और अगर चैप्टर नंबर 4 की बात की जाए, चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज 4.1 और 4.3 है, इसमें से भी आपका एक एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। चैप्टर नंबर 5 की जो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 है, इन दोनों एक्सरसाइज में से भी एक एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा। और इसके साथ जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 की जो एक्सरसाइज 9.1 है और 9.3 है, ये दो एक्सरसाइजेस हैं, इन दोनों में से आपका एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। और जो एमसीक्यूज आपने तैयार करने हैं वो सारे चैप्टर्स के तैयार करने हैं, आपके हर चैप्टर में से 2-3 एमसीक्यू जरूर आएंगे। तो अगर आप ये जो एक्सरसाइजेस तैयार कर ले जो मैंने अभी बताई हैं, तो इनको तैयार करने के बाद आप एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड हासिल कर सकते हैं, आप एग्जाम्स में 50+ मार्क्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट के गैस के बारे में, या उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।